हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल रहे हैं स्की कॉम्पिटिशन के लिए। गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग, रेडी फन एडवेंचर थ्रिल के लिए? रेडी भाई जी, लेट्स गो गाइस। वीडियो की शुरुआत ना थोड़ी सी अजीब से तरीके से की मैंने। चलिए, मतलब ऐसे ही गाड़ी में बैठते बैठते एकदम बैठ के कर लेते। चलो फिर बैठ के कर लेते, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जिमनी में जा रहे हम लोग, एक भाई को हम लोगों ने कुल्लू से भी उठाना है। एंड हम लोगों को वहाँ पे आज और कल कंपटीशन है। बेसिकली जो मेन कंपटीशन होगा वो कल होगा। आज पता नहीं, आज भी थोड़ी पूरी चीज है और वो इवनिंग के टाइम पे है, 4 बजे के बाद। 4 बजे से पहले वहाँ हमको पहुंचना है और हम लोगों को जाना है जलोड़ी पास। यहाँ से अराउंड 4 घंटे की ड्राइव है। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? 10:30 हो गए, पहुंच जाएंगे 3:30 तक हम वहाँ पहुंच जाएंगे। 4 बजे से पहले हमको वहाँ पहुंचना है। बाकी एक काम करते हैं, व्लॉग में एंड तक बने रहना। एडवेंचर दिखाने की कोशिश करेंगे, थ्रिल दिखाने की कोशिश करेंगे, फन करते हुए जाएंगे और 2 दिन पूरा फन दिखाने वाले आप लोगों को हम। और वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं उसके लिए आप आज वाला व्लॉग और कल वाला व्लॉग जरूर देखना और लाइक करना, कमेंट में प्यार दिखाना और वीडियो में एंड तक बने रहो। ट्रैफिक लगा हुआ है काफी लंबा, देख रहे कबीर? सुबह उठ के रोज ये होता है मेरे को। पिछले एक डेढ़ महीने से लेके हम लोग ना यही ट्रैफिक झेल रहे हैं। और देखो लोग ओवरटेक लेके आए हुए, तीन तीन लाइनें लगा के बैठते हैं। देखो पुलिस वाले के सामने, पुलिस वाले सामने से निकल रहे, देखो दो तीन लाइनें लगा के बैठे होते बंदे ऐसे। और शुक्र है आज हमने ऊपर को नहीं, आज हमने नीचे की तरफ को जाना है। और ये काम इन लोगों को ना विंटर में करना चाहिए, जब मतलब ज्यादा वो नहीं था, बर्फ भी इस बार लेट पड़ी हुई है, उस टाइम नहीं किया, अब सीजन के टाइम कर रहे। अब रोज रोज ट्रैफिक, कॉन्टेंट मर जाता है हमारा गाइस, कंटेंट मर जाता है, ज्यादा टाइम ना ट्रैफिक में निकल जाता है। देखो चलो क्या बोल सकते हैं, वॉल्वो बस स्टैंड तक ये ट्रैफिक लगा हुआ है और दो तीन लाइनें लगी। और कई लोग दिमाग लगा रहे हैं, कई लोग तो बीच से मोड़ के बोले भाई हम तो जाएंगे ओल्ड मनाली वाले रास्ते से, बोला लेकिन लाइन लगी हुई। और सुबह सुबह ये हाल होते, देखो सुबह सुबह लाइन लगी होती लंबी। लो जी ये हो गया है कांड। ये कांड कब हुआ? भाई को दिखा ही नहीं है पत्थर, शायद से चुम्मी हो गई भाई। मेरे को पता क्या लगता है, बस चली होगी ना, बस वाले ने किसी ने एकदम राइट ले लिया होगा, ये घुसा सीधा अंदर, पता नहीं एंगल पे है ना। हम लोगों को यहाँ से एक भाई को भी पिक करना है, पीड़े से ऊपर को चढ़ेंगे, वो कुल्लू से थोड़ा सा आगे, हम लोग आगे उनको भी पिक कर लेते। बाकी अभी गर्मी काफी ज्यादा है ना भाई, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि हुडी उतार देता हूँ। नहीं गर्मी बढ़ गई यार काफी ज्यादा कुल्लू में। अब बस आगे से ना एक भाई को पिक करना है हमको, आगे आएंगे वो पैदल। पहले वो बोल रहे थे कि उस साइड आ जाओ, कुल्लू में एंटर होते तो ट्रैफिक में और ज्यादा फंसते, तो मैंने कहा भाई अगर यहाँ आ सकते हो तो देख लो, यहाँ आ जाओ, यहाँ से पिक कर लेंगे हम आपको। तो हमारे साथ ना भाई भी आ गए, भाई का नाम है नितिन। क्या हाल है जी? पैदल आया आप नीचे से ऊपर? नहीं नहीं, बाइक में, लगाई नहीं बाइक पे, बनना आता चलना। अच्छा अच्छा, लेट्स गो। अब जाएंगे हम बढ़िया एंजॉय करते हुए। राउंड टाइम हो चुका है 11:30। भाई जी कितने बजे तक पहुंचा दोगे आप? भाई पता नहीं, मैं चला धीरे धीरे, ये तो हट जाए ड्राइविंग सीट से। यार एक तो जल्दी पहुंचना है हम लोगों को, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ है। अच्छा चलो एंजॉय करते हो जाते, गाने लगाओ। पता है जब से नई गाड़ी ली है ना थोड़ा ऐसा हो गया कि यार, लेकिन एक चीज और है, अब ना गाने सुनने का उतना मन नहीं करता ना, ना गाने सुनने का, गाड़ी पकाने का मन करता है चिल लोग आराम से चलो। इसीलिए तो मैं म्यूजिक अपनी गाड़ी में ज्यादा अपग्रेड नहीं करता। पहले पहले शौक होता था, वूफर लगाओ, एम्पलीफायर लगाओ, ट्विटर्स अपग्रेड करो, गाड़ी डैम्प करो, बट अब उतना शौक नहीं रहा इन चीज़ों का। एज के साथ होता है ऐसी चीजें। चलो एंजॉय करते हैं। लास्ट ईयर गया था शायद से, मैं फ्लड से पहले गया था मैं इस साइड को, शांगड़ वगैरह ना, जीबी वगैरह, उसके बाद अब जाके जा रहा हूँ। और साथ में ये है लार्जेस्ट डैम और यहाँ से पानी छोड़ा हुआ है, गंदा कितना निकला पानी ना, बहुत बहुत। तो लास्ट टाइम कब गया था? 2022 में गया। आप गए भाई? हाँ। कब? 3-4 दिन पहले। महीने पहले? अच्छा महीने पहले, मैं 3-4 दिन पहले। बाकी अभी यार ये है लार्जे डैम और पानी लार्जे डैम में कम हो चुका है। वैसे बोल रहे थे यहाँ पे ना वो भी कराएंगे अभी, पूरी होती यार बोट सर्फ वाली, सर्फिंग वाली, वो क्या कहते हैं उसको, जेट स्की। हाँ जेट स्की बोल रहे थे यहाँ पे, जेट स्कीइंग भी कराएंगे, लेकिन पानी नहीं, अभी पानी तो बिल्कुल कम हो गया है। बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा पोलो नहीं लाने का और जिमनी लाने का यहाँ से, क्योंकि रोड की हालत देखो कितने खराब है। मैंने बना था नहीं तो गड्ढे ही बचाने के, गड्ढा बचाने के, ये वाला बचाओ वो वाला बचाओ, है ना। बहुत अच्छा डिसीजन था भाई ये गाड़ी लाने का, ऊपर से कंफर्टेबल बहुत है, सस्पेंशन काफी ज्यादा अच्छा है और छोटी सी है ना, हर जगह घुस रही है ना, सामने से गाड़ी भी आ रही है, प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो पोलो लेके आते थे बहुत प्रॉब्लम हुई थी गड्ढे वगैरह की, जिप्सी में उतना कंफर्ट नहीं होना था और पोलो में हमने गड्ढे बचाने होना था, टाइम लग जाता बहुत ज्यादा, इसमें पता भी नहीं चला हमें एकदम। मतलब यहाँ से ऊपर से और यहाँ से मेरे को लगता है 1 घंटा, आधा घंटा, आधा पौने घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग।
और मतलब अच्छा डिसीजन था जिम नहीं लाने का यार। इतने पतले पतले रास्ते हैं यहाँ पे, खराब रास्ते, पतले रास्ते की ट्रैफिक लगना बहुत नॉर्मल चीज है। और आगे बस गई हुई है, ठीक है, बसेस भी काफी चली यहाँ पे और फंस गई है गाड़ियां सारी। ये देखो ना, स्विफ्ट वाला पीछे कर रहा है ना बस वाला पीछे कर रहा है। देखो लड़ तो नहीं, भच भच तो नहीं आ रही, नींद आ रही है। चलो रोना, बड़ा छोटा रास्ता यार, खराब ऊपर से बहुत ज्यादा। बोल तू बनाऊ तेरे लिए बड़ा, मैं करूँ जाके करो फोन भाई, करवाओ बड़ा भाई, बड़ा करो रास्ता यार, चाहिए बड़ा भाई। कबीर वैन वेगन जी आए हुए, बड़ा करो रास्ता। ओ भाई एकदम ही साफ हुआ है, देखो ना ये था ना जैसे 5x मारा, ये एकदम क्लियर। स्विफ्ट वाले ने कर दिया पीछे, बाइक वाला कर रहा है पीछे, देखो उसको, चल पीछे वाले भाई। ऐसा लगता है हो गया ना पीठ पे, पूरा गर्मी है यार। मतलब मैंने भी हुडी पहनी थी, मैंने खोल दी, गर्मी काफी ज्यादा है यहाँ पे। मनाली में ठंड है फिर भी ना, मनाली में ठंड है थोड़ी। यार हम लोग ना जी भी एंटर हो गए और बहुत ब्यूटीफुल है, और मौसम भी खराब हो रहा है। साथ में सबसे पहले एक काम करते हैं, जहाँ पे हमारा स्टे है वहाँ चलते हैं, सामान वगैरह रखते हैं। और यार जी भी ना सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, अभी देखते हैं, ड्रोन शॉट भी लेंगे, प्यारे प्यारे ड्रोन शॉट लेंगे यार। अरे रास्ता यार मैंने बनाया भाई, तब भी ऐसी हालत है यार ये। ये सही था भाई, मतलब मैंने बनाया तभी हालत थी, तू बनाता फिर क्या होता। फोर लेन होता ना यहाँ पे, तो बना चलो इस साल तो बनाई, ठीक है। पिछले साल मैंने बनाया था, इससे ये हालत है इसकी, इस साल कबीर बनाएगा, ठीक है। फोर लेन अगली बार आप अपने फोर लेन ठेकेदार बन गया क्या, ठेकेदार बन गया, जॉब मिल गई इसको ठेकेदार की। बाकी काफी जल्दी पहुंच गए हम ना, डेढ़ बजे भाई, बाकी काफी जल्दी पहुंच गए, बाकी काफी जल्दी पहुंच गए यार। कितनी बार बोलूं, घड़ी डेड हो गई मेरी यार, चार्ज करके नहीं निकला। बाकी डेढ़ बज गए यहाँ दिखाया भाई, 129 हो गया। ये लो भाई मैं बढ़िया बताता हूँ गाड़ी है, जल्दी मेरे पास होते तो 3 बजे बोल रहे थे। मैं आराम से चलता हूँ ना, मैं एक अच्छा ड्राइवर भाई, मैंने गाड़ी भाई भाई का नाम नितिन है यार, मेरे भगाई इतनी दौड़ाई वाला भगाई इसने गाड़ी यार, मैं होता तो मैं आराम से पहुंचाता हूं, मैं सेफ ड्राइवर। अभी जीबी पहुंच गए हम लोग, और फ्रंट कैमरे से ब्लॉक करने की थोड़ी सी आदत डाल रहा हूं मैं। कबीर कैसा लग रहा है, देख फ्रंट कैमरे ज्यादा बेटर नहीं है, है ना, मैं ना नाइस, थैंक यू। बाकी यार अभी हम लोग जीबी पहुंच गए, नीचे एक प्रॉपर्टी है ना, वहां पे भाई आ रहे हैं, अभी वहां ले जाएंगे हमको, स्टे हमारा वहीं पे है। और काफी सारी चीजें आज जैसे कि जो मेन स्की का जो कंपटीशन है वो आज नहीं होने वाला, वो होने वाला है कल। आज क्या चीज़ें हैं, आज भी मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा, काफ़ी सारी अभी जैसे नाटी वगैरह हो गई, और भी चीज़ें होगी, वो सारी आज होने वाली है। तो अभी सबसे पहले चलते भाई आ रहे हैं प्रॉपर्टी में, चलते अपने बैग्स वगैरह अपने वहाँ पे उतारते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। और मेरे को लग रहा है ना फ्रंट कैमरे से ज़्यादा अच्छा ब्लॉग हो रहा है, कमेंट में बताना एक बार, आज के बाद फिर फ्रंट कैमरे से ब्लॉग करेंगे हम लोग, है ना। फिर दोस्त नाराज़ क्यों हो रहा है तू, क्या हुआ डार्लिंग, नाराज होते हो यार, थोड़ी नाराज हो यार, हद है यार। एक तो ऐसी स्पीड में गाड़ी उड़ा के लाने, फिर बोलता हम बड़ी जल्दी पहुंच गए। हम ना कैमरा चेक कर रहे हैं एक्चुअली, अभी कैसा आ रहा है, तंग करती है क्यों, तेरे को मजा आ रहा है मेरे को यार, सच में ऐसे देखने में मजा आ रहा है यार। तो रूम हम लोगों को मिल चुका है, एक एक्स्ट्रा बेड हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, और साथ में भाई वैसे बोल रहे थे देख लो एक रूम चाहिए दो रूम चाहिए, एक ही गया हमने एक्स्ट्रा बेड, तीन ही बंदे ना एक्स्ट्रा बेड के साथ आ जाएगा। और यहाँ से व्यूज कुछ इस तरह के है, बढ़िया मौसम ठीक है, ब्लैक क्लाउड्स भी थोड़े थोड़े और धूप भी आ रही है। एक चीज़ है, मनाली से ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद अभी अराउंड दो, अब घड़ी ऑन हो गई भाई, उस टाइम ऑन नहीं हो जी, अब घड़ी ऑन हो गई अपने आप, 2:03 हो गया है, अराउंड 4 बजे के बाद यहाँ पे सब कुछ जो भी फंक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो तब तक हम रेस्ट वगैरह करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, और उसके बाद कहीं खाने चलते हैं, पहले लंच वगैरह करते हैं ना, फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद चलेंगे वहाँ पे शूट शाट करने के लिए, और उसके बाद दिखाएंगे आपको सारे सीन्स की आज क्या क्या चीज़ें होने वाली है। जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया ना उसके साथ में एक कैफे और बेकरी है, कुछ खा लेते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद शायद मामू वगैरह भी ऊपर से आएंगे, फिर उनसे पूछते पहले क्या सारी डिटेल्स है, और उसके बाद करते हैं शूट वगैरह, मतलब लेकिन पहले पेट पूजा है, भूख लगी बहुत ज़्यादा। या जिस कैफे बेकरी से अभी हम लोग लंच करके निकले भाई, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनाया था उन्होंने, मतलब खाने को वैसे नहीं बोलना चाहिए ऐसा ना, मैं बंदों की बात करूं, उन्होंने टेस्टी नहीं बनाया था, और साथ में इतना ज्यादा एक्सपेंसिव सैंडविच, नॉर्मल एक सैंडविच ना 300-300 रुपए का। बाकी अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा जूस वगैरह लेने के लिए, दुकान ढूंढ रहे, कोई दुकान मिल जाए, मेरे को लगता नहीं है दुकान होगी, ऊपर की तरफ कोई जाना पड़ेगा, हम गॉट टूरिस्ट है, काफी टूरिस्ट है जीबी में। अराउंड 5:30 बज गए, 5:30 बजे वहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होना था, मतलब 6 बजे होना है, 5:30 तक हम लोगों को पहुंचने के लिए बोला हुआ था, और अभी शाम को ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सिर्फ कैमरा और एक माइक लेके जा रहे हैं, बाकी चीज़ें काम में नहीं आने वाली, जैसे ड्रोन वगैरह हो गया और भी चीज़ें होगी, वो हम लोगों ने अंदर रूम में रखी हुई है, और यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जाना है हम लोगों को। चलो अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, अराउंड शायद से आधे घंटे में इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, मामू ने बोला था 5:30 बजे पहुंच जाना, हम लोग पहुंच गए 5:30 बजे, 6 बज गए, और साथ में फ्रंट कैमरे से ब्लॉग करो, लेकिन थोड़ा सा फोन ऐसे दूर पकड़ना पड़ रहा है। और यहाँ पे है भाई, भाई का नाम है हितेश भाई, भाई की ना प्रॉपर्टी है जीबी में, किस नाम से, ग्रीन अल्पाइन जीबी, ग्रीन अल्पाइन जीबी करके वाटरफॉल के साथ में है, तो आप लोग भी विजिट करना है यहाँ पे। हम लोग तो आगे भाई के पास चाय पीने के लिए, साथ में हमारे साथ एक और बंदा है यहाँ पे जो कि है कबीर वैन वेगन। भाई कैसा लग रहा है फ्रंट कैमरे से ब्लॉग करके,
मजाक नहीं, सच में मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ, गोरे लग रहे फ्रंट कैमरे में, तो आजकल फ्रंट कैमरे से ब्लॉक करूंगा, मेकअप की जरूरत ही नहीं है। गोरा लग रहा हूँ मैं तो, इसमें रेसिज्म की क्या बात है? गोरे और काले के बीच में बोल कर रहे हो ना? मैं अपने आप को बोल रहा हूँ गाइस, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ सही बात, तीन चार दिन से लेके ना यही चीज हो रही है। मैं एक भी वर्ड बोल रहा हूँ ना भाई कंट्रोवर्सी, एक भी वर्ड बोल रहा हूँ कंट्रोवर्सी, कुछ नहीं बोलने वाला हूँ मैं, सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूँ। बैक कैमरे से ब्लॉक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा काला आ रहा हूँ, फ्रंट कैमरे से ब्लॉक कर रहा हूँ तो थोड़ा गोरा आ रहा हूँ। गाइस कंट्रोवर्सी हो जाए आप बोलो गाइस, एक काम करें आप बोलो तो इसमें यहाँ से नीचे उठा के फेंक दे, नदी के साथ ही बिल्कुल है। बाकी अभी थोड़ी देर में चाय पीते, आधे घंटे में चलते नीचे और फिर इवेंट में दिखाते आपको। हाँ इसमें क्या तैरेगा तू? ओए फच्ची आवाज आ रही है, की आवाज आएगी नीचे फच्ची, इसमें क्या तैयारी है? आज के लिए क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ऑफिशियल को टैग वगैरह मिल रहा है, ठीक है, ये पार्टिसिपेंट्स वगैरह को मिल रहे हैं, मीटिंग चली हुई है तो उतना शूट आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा पूरा हम लोग कर रहे हैं, बाकी बस ये चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। और सारे बंदे आ गए यहाँ पे। हाँ जी क्या स्नो बोर्डिंग करते हो, गायब हो गया आप? पार्टिसिपेंट चलो हम लोग ऑफिशियल में, वी आर ऑफिशियल। यार अभी ना हम लोगों को थोड़ा सा काम के लिए दौड़ा दिया क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो अभी सामान गया चाहिए काफी, तो अभी हम लोग मार्केट में जीबी के। और यहाँ पे बताए काफी टूरिस्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनाली में टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छी जीबी भी काफी ज्यादा है, काफी टूरिस्ट यहाँ पे हम लोगों को दिख रहे हैं। एक्चुअली पास भी काफी पड़ता है ना और सुंदर भी है, यहाँ पे आपको वो जीबी वाटरफॉल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिनी थाईलैंड मिल जाएगा, मतलब एक जगह है मिनी थाईलैंड की तरह, उसको मिनी थाईलैंड बोलते हैं, और सुंदर काफी ज्यादा है। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स भी दिखाया हुआ है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी जोड़ रहा हूँ और यहाँ आई बटन में भी आ रहा हूँ, पहले के मैंने यहाँ के ब्लॉग्स बनाए हुए, बहुत सुंदर है। बाकी भी थोड़ा सा सामान वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, वो ले जाते हैं, उसके बाद अपने होटल चलते हैं, डिनर करते हैं, व्लॉग एडिट करते हैं, और मेन जो बेसिकली मेन है ना दिन, वो कल का दिन होने वाला मेन। चले काफी देर वेट करा दिया, लेट काफी ज्यादा हो गया यार। हाँ जी काफी देर वेट करा दिया आपको यार, लेट काफी ज्यादा हो गया, एक्चुअली काम इतने थे ना, अभी काम सारे खत्म हो गए, होटल चलते हैं, डिनर करते हैं, एडिट करते हैं और कल के लिए प्रेपरेशन करते हैं, ठीक है ना भाई साहब? कोई आइडिया दो कल के लिए, कैसे क्या शूट करेंगे, क्या करेंगे, क्या हो गया, कहाँ आपका दिमाग चला गया, शांत हो गया आप? बोर हो गया पूरे, बाकी अभी चलते होटल में डिनर करते हैं, फिर थोड़ी सी प्रेपरेशन वगैरह करते हैं। तो यार हम लोग ना अभी अपने स्टे में पहुंच गए और यहाँ पे एक डॉगू है जिसका नाम है जेस्पर। जेस्पर कैसा है तू? जेस्पर कैसा है भाई? फ्रेंडली डॉगू। हाँ जी जेस्पर यार बहुत फ्रेंडली, और इसके यहाँ को नाम भी लिखा हुआ है जेस्पर। स्टार्टिंग में मेरे को लगा इसका नाम कैस्पर है, लेकिन कैस्पर नहीं, जेस्पर इसका नाम। जेस्पर यहाँ आओ। बाकी यार डिनर करना है हम लोगों ने, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग डिनर कर रहे हैं और भूख काफी ज्यादा लगी हुई थी, तंदूर भी है साथ में। जेस्पर जेस्पर ठंडा लग रहा है आपको? हैं ठंडा लग रहा है, फ्रेंडली है काफी ना? और अभी जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं ना वहाँ पे ये ओनर का डॉग है आई थिंक। स्टार्टिंग में जब मैं को डर लगा, मैंने कहा भाई कहीं काटे ना, लेकिन यहाँ देखो। हाँ जी फ्लैश लाइट से डर लग रहा है आपको? बहुत फ्रेंडली यार, स्टार्टिंग में लगा नहीं था काटे गए ना, लग रहा था ना जो एंट्री हुए ना कि काटे गए, लेकिन फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। अभी साथ में आगे बैठ गए, जैसे डिनर करोगे मेरे साथ? बाकी अभी एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग डिनर वगैरह करते हैं, फिर ब्लॉग एडिट करना है, सारे के सारे गैजेट्स जो है वो चार्जिंग पे लगाने हैं। आज हमारे गैजेट्स उतने ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाए, कैमरा से थोड़ा बहुत शूट किया, बाकी कल मेन जो है दिन है, कल का दिन होने वाला है। और कल हम लोगों को सुबह 6:30 बजे निकलना पड़ेगा ऊपर टॉप पे, यहाँ से अराउंड क्या चंडीगढ़ में ना एसी चल रहा है। हाँ पता है, सही चीज यार, मतलब चंडीगढ़ में ना एसी चल रहा है, फैन भी नहीं, एसी चल रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी ठंड है कि भाई तंदूर चलाना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में एसी चला रहा था, लेकिन यहाँ तंदूर चल रहा है, बंदों को मतलब यकीन नहीं हो सकता कि यहाँ तंदूर चल रहा है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखो गर्म है, हाथ लगा के दिखा एक बार, चल रहा है कि नहीं चल रहा, भाई भी वहाँ पे सेक रहे, मतलब ठंड है यहाँ पे। दिन में मैं बोल रहा था काफी ज्यादा गर्मी है, काफी ज्यादा गर्मी है, लेकिन ठंड है यहाँ पे काफी, मतलब इवनिंग के टाइम पे ठंड है। और मौसम भी खराब हो गया था इवनिंग के टाइम पे, तो मौसम खराब होता, अभी मौसम काफी अच्छा। और हम लोग प्ले कर रहे हैं कि कल मौसम साफ रहना चाहिए, क्योंकि कल हमें अपने ऊपर कंपटीशन वाला दिन है ना, तो शूट अच्छे से हो पाएगा अगर मौसम अच्छा हुआ। मौसम खराब हुआ तो कंटेंट अच्छा मिलेगा आप लोगों को, लेकिन शूट नहीं कर पाएंगे हम लोग उतना। अभी अराउंड ना 10:30 बज रहे, व्लॉग एंड करने की बारी आ गई, और ये हंस रहा है, पता है कि मैं फ्रंट कैमरे से व्लॉग कर रहा हूं इसलिए हंस रहा है। नहीं यार मैं जिस तरीके से पहले देख रहा था ना उसमें से कैसे कैसे देख लो कैसे यार मैं ना फ्रंट कैमरे से व्लॉग करने की आदत डाल रहा हूं, अच्छा लग रहा है ऐसे देखने को अपने आप को। कमेंट्स में बताओ यार, यार गाइस फ्रंट कैमरे से ब्लॉग करो अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को, बताना कमेंट्स में जरा। बैक कैमरे से करूं तो इसके बाद मैं बैक कैमरे से करता हूं, ये देखो मैं बैक कैमरे से ब्लॉग कर रहा हूं, बताओ फ्रंट कैमरे से आप लोगों को मजा आ रहा था कि बैक कैमरे में, मतलब ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना? ये रात को ये होता है फ्लैश लाइट ऐसे आंखें बचती है ना भाई, ऐसे उस थोड़ी देर उसके बाद अंधा हो जाता हूँ मैं ऐसे। बाकी काम करते ऐसे ही मैं एंड करने वाला ब्लॉग को, आप लोग ये बताओ फ्रंट कैमरे से ब्लॉग किया जाए कल के बाद या फिर बैक कैमरे से ब्लॉग किया जाए, ठीक है? बाकी काम करते हैं, आई होप आज का जो ब्लॉग था आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में प्यार दिखाना सबसे पहली बात, लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो प्लीज यार, सपोर्ट अपनी, ये बीच में पहले मेरे को बोलना है, सपोर्ट करो यार प्लीज, 200K पहुंचा और इसको फॉलो कर दो यार, जाओ
क्या हुआ? मैं हमेशा वीडियो में ये हर वीडियो में मेरे को फॉलो करो कुछ नहीं इसका ये तो इसलिए मैं तो इसको अवॉइड करो यार। बाकी काम करो मजाक में सच में 200 के पहुंचाने में मदद करो, ठीक है 200 के पहुंचाने में मदद करो। और कल एक्सट्रीम सीन्स होने वाले, कल हम लोगों ने जाना है सुबह 6 बजे, मेरे को पता था देखेगा सुबह 6 बजे जाना है, बस 6:30 निकलना, 6 बजे ब्रेकफास्ट है हमारा, तू नहीं उठेगा तो सोया रहेगा, हम उठ जाएंगे, ये सोया रहेगा, मतलब 6 बजे निकलना है, ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है हमारा, जो हमारा होटल है ब्रेकफास्ट कहीं और है, 6 बजे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, 6:30 निकलेंगे, 5:30 उठना पड़ेगा हमको, नहीं नहीं 20 मिनट रेडी होंगे, मतलब जो एथलीट्स है ना वो तो 7:30 बजे आएंगे, हम लोग जो ऑफिशियल है हम लोग निकलने वाले हैं 6:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से हम लोगों ने जाना है जलोड़ी पास, ऊपर 8-10 किलोमीटर है तो वही 20 मिनट आधा घंटा तक जाएगा हमको ऊपर पहुँचने में। और बाकी एक काम करते हैं, अभी एडिटिंग चली हुई है मेरी, थोड़ी पूरी नहीं मतलब एडिटिंग तो पूरी करनी पड़ेगी, थोड़ा पूरा टाइम अभी लगने वाला, आधी एडिटिंग मेरी हो गई है। बाकी एक काम करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपको मिलते हैं कल के एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। बाकी 200 के पहुँचाने में मतलब 2 लाख सब्सक्राइबर कराने में हेल्प करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। Minimum, minimum sloth, minimum, minimum stress. That's your best, classic dress.